नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह Sharefig.in से। आज हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि कैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस ऑप्शन डेटा को रीड करते हैं और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स को कैसे समझते हैं कि कौन सा लेबल पे ऑप्शन डेटा के अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं हम लोग। तो उन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक में और इंडेक्स में कैसे ये काम करता है। ऑप्शन डेटा एनालिसिस में ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, अगर जिनको ओपन इंटरेस्ट देखना आता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और जिनको नहीं आता है या कंफ्यूजन है वो इस वीडियो को देख सकते हैं लास्ट तक। कुछ भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करें। आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, यहाँ पे बेल बटन है उसको आप क्लिक कीजिए, जब भी मैं अपलोड करूँगा कोई नया वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बाकी डिटेल्स जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे देखिए। NSEIndia.com टाइप करेंगे, आपका NSE का वेबसाइट खुलेगा। सर्च का जो ऑप्शन है उसमें आप कोई भी स्टॉक या इंडेक्स किसी का भी नाम, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का नाम डाल रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी। जैसे बैंक निफ्टी डालेंगे अब ड्रॉप डाउन आएगा, इसमें बैंक निफ्टी इन डेरिवेटिव आएगा, इन कॉन्टेंट्स आएगा। तो ये जो आ रहा है इसको आपको नहीं देखना है, आपको बैंक निफ्टी डेरिवेटिव में जाना है। जैसे बैंक निफ्टी डेरिवेटिव में आप जाओगे आपको आएगा यहाँ पर ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में हम क्लिक करेंगे। ऑप्शन चेन में क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन चेन हमारा ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी का। लेफ्ट साइड में आपको क्या है कॉल एंड राइट साइड में आपको क्या है पुट। ये OI है ओपन इंटरेस्ट, यहाँ दिखाएगा आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि आज के दिन इंट्राडे में कितने ओपन इंटरेस्ट और ऐड हुए हैं या कम हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा कितने ट्रेड हो रहे हैं, बायर्स बाय साइड एंड सेल साइड मिलाकर कितने ट्रेड हो रहे हैं टोटल, वो वॉल्यूम दिखेगा। IV हैगा एम्प्लॉयड वॉलिटी, LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज इन प्राइस, प्राइस में क्या चेंजेस हो रहा है, बिट क्वांटिटी बिट प्राइस मींस कौन से प्राइस पे लोग बेच रहे हैं एंड कौन से प्राइस पे खरीद रहे हैं, ये क्वांटिटी है आज प्राइस पे खरीद रहे हैं। तो ये और ये स्ट्राइक प्राइस है। फिर राइट साइड में आपको पुट है, पुट में भी सेम वे ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, IV, ट्रेड प्राइस, चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी, आज क्वांटिटी, बिट क्वांटिटी एंड प्राइस, ये सारी चीज आपको। देयर इज टू कलर, वन इज शेडेड with the grey something and one is white. तो जो shaded color है उसको हम लोग बोलते हैं in the money and जो white है उसको बोलते हैं out the money. Okay? वैसे ही ये white color वाला इधर आपको ये हो गया OTM out the money and ये हो गया आपको in the money ITM. ठीक है, जैसे कि जो भी price चल रहा है bank nifty का, जैसे for example अभी bank nifty 37,775 के पास चल रहा था, इस range में है bank nifty 35,785 से लेकर उसके नीचे का जितना स्ट्राइक प्राइस आएगा वो इन दी मनी, मनी मीन्स जो प्राइस चल रहा है, अब उस मनी के बाहर जो रहेगा वो आउट दी मनी हो गया, उसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो इन दी मनी हो गया, सिंपल। ठीक है, और ये जो है ये एट दी मनी बोलेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इन दी मनी आउट दी मनी एंड नाउ विल सी दैट हाउ वी हैव टू लुक इन टू द ऑप्शन चेन एंड हाउ वी कैन यूज दिस एंड मेक द बेनिफिट while doing the trading. So, अभी बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है 37,700 से लेकर 800 के बीच में बंद हुआ है, 37,700 लेवल पे एंड 800 पे क्या ओपन इंटरेस्ट है। तो ओपन इंटरेस्ट हमने बोला था ये ओपन इंटरेस्ट है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये है वॉल्यूम, ठीक है, ये है IV, ये है LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस और ये चेंज इन प्राइस। बैंक निफ्टी में आपको सारे जो ऑप्शंस होते हैं या डेरिवेटिव, उसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, करंट मंथ रहेगा, नेक्स्ट मंथ रहेगा एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ रहेगा, राइट। मंथली हो गया, मंथली एक्सपायरी रहेगा, एवरी लास्ट थर्सडे आपको एक्सपायरी रहेगा, बट इंडेक्स में एवरी थर्सडे वो एक्सपायरी होता है। तो 14th अक्टूबर, 21st अक्टूबर, 28th अक्टूबर, ये आपको तीन एक्सपायरी इस मंथ के बचे हैं, राइट। उसके बाद आपको 9 नवंबर, 11 नवंबर, तो हर हफ्ते का एक्सपायरी आपको रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट हफ्ते का इसी हफ्ते में ले सकते हैं, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट उसके बाद का भी ले सकते हैं, उसके बाद का भी ले सकते हैं। 3 मंथ्स का पूरा डेटा आपको रहेगा, 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसको आप यूज कर सकते हैं कभी भी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। और किसी को भी किसी भी हफ्ते में आप खरीद कर किसी भी हफ्ते में सेल कर सकते हैं, बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 14 तारीख को खत्म होने वाला है और इसी हफ्ते का है, इसी वीक का है, तो आपको इस 14 के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज नहीं कर पाएंगे, आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। अगर आपने 21st अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और 14 अक्टूबर आया तो आपके लिए ठीक है, आपके पास टाइम 21st अक्टूबर तक है, ठीक है। अगर 28 का लिया हुआ है तो 28 तक का टाइम है। एवरी वीक थर्सडे इज एक्सपायरी फॉर द इंडेक्स एंड एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इज एक्सपायरी फॉर द स्टॉक्स, ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 34
801 ये जो है OI में, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट है, ये ओपन डेस्क नहीं है। OI में जो आपको दिख रहा है दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन 34801 एंड जिसमें 13986 आज ही ऐड हुआ है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, 13,4,801 इंटू लॉट साइज, अगर ये कैलकुलेशन करेंगे 870025 मीन्स 870025 ओपन इंटरेस्ट है। ये हो गया आपको OI, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है आपके, ठीक है, उसको लॉट साइज में हमने। नाउ वी अंडरस्टूड दैट कि अभी कैसे हम लोग इसको OI निकालते हैं। एंड तो ये जो है 37,800 लेवल पे आपको हमने OI ओपन इंटरेस्ट निकाला, वैसे ही पुट साइड में 22,850 ये है क्या आपको, ये हो गया आपको ओपन इंटरेस्ट। तो सेम वे से आप निकालेंगे यहाँ पे 22,850 इंटू 25 which is equal to 571,250। तो ये जो हो गया आपको 571,250, इधर में हमने निकाला था 870,025, right? तो आप देख सकते हो कि इस लेवल पे और 37,800 लेवल पे कॉल साइड में 870,025 ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में 5,00,000 ओपन इंटरेस्ट है। अभी आपको इसको रीड कैसे करना है, समझना कैसे है कि अब इसको हम समझेंगे कैसे। अभी यहाँ ज्यादातर जो होते हैं ये राइटर्स होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, कॉल साइड में अगर आपने आपको अगर ओपन इंटरेस्ट निकाल रहे हो और देख रहे हो कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसका मतलब ये कॉल बाय कर रहे हैं, दैट मींस यू आर रॉन्ग, दे आर द सेलर्स हु कंट्रोल्स द मार्केट। एंड हियर यहां भी पुट को सेल किया जा रहा है, मींस दोनों साइड में सेल हो रहा है, इसमें बाय भी हो रहा है बट मैक्सिमम सेल कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग हो रहा है। राइटिंग मींस कॉल को बेच रहे हैं या पुट को बेच रहे हैं, ठीक है। अनवाइंडिंग मींस जो बेचे हैं वो वापस उसको खरीद रहे हैं। तो अभी हम लोग ये पार्ट को देखेंगे कि ये हमने कैलकुलेट कर लिया, अब आगे देखते हैं। 870,000 जो है यहाँ पर कॉल राइटिंग हुआ है, मतलब कॉल को बेचा गया है, राइट, 37,800 लेवल पे, तो जिसमें से 13,926 मींस 13,926 इंटू अगेन 25, राइट, जो आपको आएगा 3,48,150, जिसमें से ये जो 8,00,000 है जिसमें से 3,00,000 आज के दिन ही ऐड हुआ है, राइट। वैसे ही पुट साइड में 6,716 इंटू 25 जो है करेंगे, यहां पर आएगा 1,67,900। तो आप देख सकते हो सिंपल वे से कि अभी कॉल साइड में 8,70,025 ये ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 3,48,150 इतना आज ऐड हुआ है आज के दिन। पुट साइड में 5,71,250 ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 1,67,900 जो है वो आज ऐड हुआ है। अभी क्या इसका मतलब जानेंगे हम लोग, मतलब कि कॉल साइड में जो कॉल राइटर्स है वो कॉल को बेच रहे हैं ज्यादा, मतलब दे आर बेयरिश दैट 37,800 जो लेवल है इसके ऊपर बैंक निफ्टी आज के दिन या इस हफ्ते में शोइंग द रेजिस्टेंस हियर, ठीक है। और सेम डे फ्राइडे को चेंज इन OI जो बोलते हैं उसमें आपको देखेंगे 3,48,000 का एडिशन भी हुआ है। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे हम लोग, इसका मतलब ये निकालेंगे कि बैंक निफ्टी में 37,800 लेवल इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जहां पर ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, लोग ज्यादा कॉल को बेच रहे हैं। आपको पहले ही बोला हूं कि जो भी है यहां सारा सेल हो रहा है, बाय कुछ भी नहीं है, आपको बाय का कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ सेल का। वैसे ही एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग जहां पर पुट के कारण हमें एक सपोर्ट मिलेगा। यहां पर अब ये कॉल राइटिंग का देख लिया हमने कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहां पे पुट में 5,71,000 है और यहां पर 8,00,000 है। अभी पुट साइड में आप देख सकते हो कि 37,000 लेवल पे, या आप सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर आप देखो, यहां पर पुट में 23,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, 38,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है यहां पे, एंड यहां पर 44,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं कि ये जो है 37,000 लेवल पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है 44,263, जिसमें फ्राइडे को 13,000 का एडिशन हुआ है। और सेम थिंग यहां पर आपको कॉल साइड में कुछ खास नहीं है, 3,500 का है। तो आपको सेम वे इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो 44,263 इंटू 25, राइट। सो ये अगर करेंगे यहां पर क्या आ रहा है, 11,66,575 और आज के दिन 13,000 ऐड हुआ है, 25 करेंगे तो वो आज के दिन ऐड हुआ है। एंड पुट साइड में 3,506 इनटू 25 मींस यहां पर आपको 6 इनटू 25 यहां पर आपको
87,650 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। तो आप देख सकते हो कि पुट साइड में 11 लाख इस लेवल पे एंड 87,000 कॉल साइड में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है 37,000 लेवल पे, बिकॉज पुट राइटिंग, पुट को बेच कर रखा है यहाँ, ये सोचकर चल रहे हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगा। सेम वे 37,500 लेवल पे देख सकते हैं कि 38,000 कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम लोग ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विदाउट कैलकुलेटिंग द ओपन इंटरेस्ट, लाइक मैंने पहले जो किया था कि 38,656 × 25 जो कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे समझेंगे। तो 38,656 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है पुट साइड में, मींस पुट को इतने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचा हुआ है। उसके रिस्पेक्ट में कॉल साइड में 19,850। तो यहां से नंबर से आपको समझ में आ रहा है कि पुट साइड में ज्यादा राइटिंग हुआ है, राइटिंग मतलब बेचा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, 37,800 लेवल पे 8 लाख ये रेजिस्टेंस से काम कर रहा है। तो आपको रेंज क्या बन गया, 37,500 से 37,800 का एक रेंज मिल गया। तो ये आपको क्लियर रेंज समझ में आ रहा है कि हमने क्या कैलकुलेशन किया। सिंपल वे से मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। हमने पहले क्या किया था, हमने 37,800 लेवल पे हमने ओपन इंटरेस्ट निकाला था, जहां पर 8 लाख के अराउंड में कुछ ओपन इंटरेस्ट आया था। पुट साइड में सेम लेवल पे 37,800 लेवल पे ओपन इंटरेस्ट जो निकाला था वो अराउंड 3 लाख के आसपास आया था। फिर हमने क्या किया, 37,000 लेवल पे हमने ओपन इंटरेस्ट निकाला कॉल साइड में, जो बहुत ही कम 85,000 के आसपास था। एंड पुट साइड में 37,000 के लेवल पे जो हमने निकाला वो 11 लाख के आसपास था, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि 37,500 लेवल पे कॉल साइड में 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। इसका ओपन इंटरेस्ट उन्होंने निकाला, हमने इनटू 25 नहीं किया था, ये दोनों का हमने इनटू 25 किया था, राइट इनका। तो ये एक हमने वैल्यू निकाला था डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखकर, और इधर में 37,500 लेवल पे 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे। फिर हमने 37,500 लेवल पे 19,000 जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको इनटू 25 करेंगे तो आपको आएगा 4,75,000 के आसपास, हमने राउंड फिगर 19 ले लिया। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है पुट साइड में जो 38,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, 38,000 इंटू 25 अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा 9,50,000 के आसपास, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि कॉल साइड में 37,800 लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 8 लाख का, एंड सेम लेवल पे पुट साइड में 3 लाख का, मतलब कि ये काम कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस का, राइट। अभी कॉल साइड में 37,500 लेवल पे 4,75,000 का ओपन इंटरेस्ट है एंड 9,50,000 का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो काम कर रहा है हमारा सपोर्ट का, तो रेंज आपका बन गया बैंक निफ्टी का क्या अभी करंटली 37,800 से लेकर 37,500। ये हमने एक बड़ा रेंज देखा, उससे भी बड़ा रेंज क्या है यहाँ पे 37,000 से लेकर ऊपर में अगर और कैलकुलेशन करेंगे तो 38,000 का लेवल आएगा, जो हम लोग आगे अभी देखते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अभी नेक्स्ट जो लेवल हम लोग अगर हमें देखना है, तो अब आपको ये दो रेंज मिल गया बैंक निफ्टी का, 37,500 के नजदीक में अगर आएगा तो यहाँ पे हमें बाई करना है और यहाँ पे हमें निकलना है। अगर इसके ऊपर फिर टिकता है बैंक निफ्टी तो आपको ऊपर का लेवल 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, यहाँ पे 11,000 है। अब आपको ये समझना है कि अभी हमें कैसे जानना है कि ये ऊपर जाएगा इंट्राडे में बेसिस में और किया नीचे जाएगा, राइट। इंट्राडे में क्या होता है कि ये जो 37,800 लेवल पे जो यहाँ पर आपको पॉजिटिव में दिख रहा है, 13,926 का जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है पॉजिटिव में जो दिख रहा है, वो अगर यहाँ पे नेगेटिव में आपको दिखेगा, मतलब कि कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है। यहाँ पर ऊपर में मुझे कहीं पर अभी दिख नहीं रहा है तो इसलिए मैं एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूंगा किसी स्टॉक का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रिलायंस लिखता हूँ। अब रिलायंस क्या है, रिलायंस इज ए मंथली कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अभी देखिए रिलायंस में एक बड़ा मूव आया था, राइट। क्यों आया, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको ऑप्शन चेन में कैसे आपको समझना है, ठीक है। स्पॉट में अभी ये जो लेवल है ये एंड दिस वन 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन था कॉल साइड में, जिसमें 4,000 अनवाइंड हुए, मतलब सुबह में 9,000 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन था जिसमें 4,000 अनवाइंड हुआ है। और उसके पीछे के लेवल पे आप देखो, आप इतने स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हुआ, तो इन अनवाइंडिंग को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि रिलायंस में ये शॉर्ट कवरिंग कॉल जो जिन्होंने बेच रखा था वो कॉल को अब बाई करके अपने पोजिशन निकाल रहे हैं, ये जानते हुए कि रिलायंस में अभी बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आने वाला है, राइट। तो इसको अनवाइंड बोलते हैं। बैंक निफ्टी हमने क्या देखा था, दोनों साइड में अभी एडिशन हुआ था क्योंकि उसका एक्सपायरी अभी
थर्सडे को है, इसी थर्सडे को है, और मंडे या ट्यूसडे से अनवाइंडिंग किसी साइड में आपको देखना चालू होगा। तो मैं ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा था आपको कि अनवाइंडिंग क्या होता है। अभी आप अगर चार्ट नहीं देखना चाहते हो, कैंडलस्टिक समझ में नहीं आता इतना, तो आप सिर्फ डेटा को देखकर आप ट्रेड कर सकते। डेटा में ये देखना है कि लेवल आपको पता चल जाएगा। अभी सबसे ज्यादा अगला ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, कॉल साइड में, यहां पे हमें दिख रहा है 8,03,059 का। पुट साइड में कुछ खास नहीं है, यहां पर 1,053 का है, राइट। तो रिलायंस है इस, ये 27 के पास जाकर रुकेगा, ये अभी तक दिख रहा है इस महीने का। पीछे में अगर ये स्ट्रांग, ये सारे ये 5,000 का ट्रेड्स ओपन है अभी भी, और यहां पर अगर 1,000, 1,000, 1,400 ये सब का ट्रेड ओपन, सारे अगर तेजी से अनवाइंड हुए तो रिलायंस इसके ऊपर निकलेगा, और फिर इसके ऊपर निकलने के बाद इनमें शॉर्ट कवरिंग आएगा, इनमें अनवाइंडिंग चालू। तो इसमें जो 1,000 का एडिशन दिख रहा है आपको 8,359 में से, इसमें से कम अगर होना चालू हो गया तो रिलायंस को फिर वापस 40 पॉइंट का मूव इजिली मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अनवाइंडिंग, मेरा जो मेन मकसद था अनवाइंडिंग समझाना, जो हमने बैंक निफ्टी में है हमें अनवाइंडिंग नहीं दिख रहा था तो इसलिए हमने नहीं समझाया। सेम वे एडिशन देखो पुट साइड में, आप यहाँ पे पुट साइड में एडिशन हो रहा है, मतलब कि स्ट्रांग सपोर्ट बनाते जा रहा है। पुट साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे 3,000 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है पुट साइड में, मतलब पुट बेच के रखे हैं बहुत सारे लोग यहाँ की, वो बुलिश है मार्केट में। फिर यहाँ पर भी थोड़ा ज्यादा बेच के रखा है, बट यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू कॉल इट इज लेस, सो ये दिस विल वर्क एज ए रेजिस्टेंस और दिस विल वर्क एज ए सपोर्ट। तो हम वापस आ गए बैंक निफ्टी में, और फिर बैंक निफ्टी में कल के दिन आपको क्या देखना है कि 37,800 लेवल पे कितना अनवाइंड हो रहा है या एडिशन हो रहा है इन सारे लेवल्स पे, 37,700 पे भी, और पुट साइड में कितने जुड़ रहे हैं। अगर पुट साइड में एडिशन नहीं हो रहा है और इधर अनवाइंडिंग हो रहा है कॉल साइड में, तब भी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर पुट साइड में एडिशन, पुट साइड में अनवाइंडिंग चालू हो गया तो नीचे जाएगा, राइट। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑप्शन चेन। आपको रेंज में मिल जाएगा, आप रेंज में ट्रेड कर सकते हो। आपको इंट्राडे में डेटा बहुत फास्ट चेंज होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चार्ट नहीं जानते हो तो इसको देखकर भी आप ट्रेड कर सकते हो इजिली किसी स्टॉक में। सो आई होप मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है ऑप्शन चेन के बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप जरूर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। मेरे इसके पहले के वीडियो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उसको भी जरूर देखें, आपको समझ में आएगा चार्ट में कैसे वर्कआउट करते हैं। इस बार हमने डेटा रीडिंग बताया है, तो एक बार चार्ट और एक बार डेटा, फिर एक बार चार्ट एक बार डेटा, मैं दोनों को लेकर साथ में आपको एक नया नया वीडियो बनाता रहूंगा। और जो भी डाउट होगा आपको, आप मुझे जरूर पूछें और अपने डाउट को क्लियर करें। Till then, take care of self. Jai Hind. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा, कॉल पुट राइटिंग अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे, साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे YouTube चैनल sharefit.in को आज ही।